भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा लेते हुए बिहार के जमुई का एक और लाल शहीद हो गया। बता दें कि जम्मू कश्मीर के तंगधार में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी हो रही है। मंगलवार को बीएसएफ के जवान सुनील कुमार मुर्मू सबसे आगे वाली सुरक्षा चौकी पर तैनात थे। पाकिस्तान की ओर से उन्हें निशाना बनाकर स्नाइपर शॉट किया गया, जिसमें एक गोली सुनील के पेट में लग गई, जिसके बाद इलाज के लिए उन्हें श्रीनगर के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही उनकी मौत हो गई। उनकी शहादत की खबर सुनते ही पूरे गांव और आसपास के लोग काफी मर्माहत हैं। बता दें कि आखिरी बार सुनील ने 19 फरवरी की सुबह को अपनी पत्नी को फोन किया था। सुनील का सपना था कि वो अपने दोनों बच्चों को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाए। शहीद के भाई ने बताया कि पहले सूचना मिली कि गोली लग गई है, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई। सूचना तो हमको 7:30 बजे मिला था कि भैया को गोली लगा है। अच्छा, तो फिर आधा घंटा के बाद फिर सूचना मिला कि भैया हम लोग को छोड़ के चले गए। अच्छा, कहाँ तैनात थे वो? जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान बॉर्डर के बीच तंगधार में। तंगधार में थे। इस घटना की सूचना मिलते ही शहीद सुनील के शिक्षक उनके घर पहुंचे और उन्होंने बताया कि शुरू से ही सुनील के अंदर देश प्रेम का जज्बा था। मास्टर थे उसी स्कूल में। अच्छा। और सुनील हमारे यहाँ टोला सेवक में काम किया था। अच्छा अच्छा जी। उसको बाल सिंचाई तैसी का जो कार्यक्रम थी उसमें उसको बहाल किया गया था। क्या बरस तक रहा टोला सेवक? लगभग 2-3 साल तक मेरे यहाँ रहा था। उसको मानदेय भी दिया गया था, हम अपने विद्यालय से देते थे। उसके बाद जब उसकी बहाली हो गई तो बताया कि सर हम बहाली हो गए, तो हमको लगा कि थोड़ा दुख तो हुआ कि मतलब ये हमारे टोला सेवक था, हमारा यहाँ कार्य करता था, लेकिन लगा कि चलिए देश की सेवा के लिए गया है, तो मुझे बहुत फख्र हुई थी। और बार बार जब मिलता था तो बहुत अच्छा रिगार्ड करता था बेचारा। ये इससे हालचाल पूछते थे, क्या हालचाल बोला, बहुत बढ़िया लगा सर, बहुत अच्छा से मतलब। जमुई के नक्सल प्रभावित इलाके खैरा के गाँव लंगी टांड के रहने वाले सुनील कुमार मुर्मू साल 2013 में बीएसएफ में शामिल हुए थे। बता दें कि इससे पहले भी भोजपुर के मुहाजिद खान और खगड़िया के किशोर कुमार मुन्ना भी बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जमुई से ब्रिजमोहन भगत की रिपोर्ट।